हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो सेफ्टी। गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंबस्टेबल मटेरियल और फ्लेमेबल मटेरियल क्या होता है और इसका कुछ एग्जांपल के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम एक लाइफ एक्सपेरिमेंट आपको दिखाएंगे कि क्या डिफरेंस होता है कंबस्टेबल मटेरियल और फ्लेमेबल मटेरियल में। जब तक कि हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर गाइस अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आइए हम सबसे पहले एक लाइव एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। दो कप लिए हैं, एक कप में फ्लेमेबल लिक्विड है और दूसरा में कंबस्टेबल लिक्विड है। कंबस्टेबल लिक्विड के पास लाइटर से हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं लेकिन इसमें फायर नहीं हो रहा है, जबकि फ्लेमेबल लिक्विड के पास जैसे ही लाइटर को ले जाते हैं उसमें फायर हो जाता है। इससे हमें देखने को क्या मिलता है कि फ्लेमेबल लिक्विड का फ्लैश पॉइंट 37.8 डिग्री सेल्सियस से बिलो रहता है और कंबस्टेबल लिक्विड का फ्लैश पॉइंट 37.8 डिग्री सेल्सियस से एबव रहता है। आइए एग्जांपल के तौर पे हम कुछ फ्लेमेबल और कंबस्टेबल मटेरियल्स का नाम देखेंगे, साथ ही साथ उनके फ्लैश पॉइंट भी देखेंगे। फ्लेमेबल लिक्विड में पेट्रोल है, गैसोलीन है, जिसका फ्लैश पॉइंट -43 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि कंबस्टेबल मटेरियल में डीजल फ्यूल आता है, इसका फ्लैश पॉइंट 52 डिग्री सेल्सियस टू 82 डिग्री सेल्सियस रहता है। सेकंड है इथेनॉल। इथेनॉल का फ्लैश पॉइंट 16.6 डिग्री सेल्सियस है, जबकि फिनोल कंबस्टेबल मटेरियल है, इसका फ्लैश पॉइंट 79 डिग्री सेल्सियस है। एस्टोन की हम बात करें तो एस्टोन फ्लेमेबल लिक्विड में आता है, इसका फ्लैश पॉइंट -20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि केरोसिन कंबस्टेबल मटेरियल में आता है, 38 डिग्री सेल्सियस रहता है इसका फ्लैश पॉइंट। अगर आपको किसी भी मटेरियल्स का फ्लैश पॉइंट नहीं मालूम है तो आप उस मटेरियल का मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट MSDS में चेक कर सकते हैं, जो कि पूरे डिटेल्स में रहता है। गाइस, ये हमारा वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। गाइस, हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ लाइक बटन को दबाना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।